दोस्त बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो दही वाला नुस्खा है वो है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो भाई बहन हैं वो आपके द्वारा जो भेजे हुए कमेंट है उनकी वीडियो देखते हैं, जो आपकी फीडबैक है उनकी वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पर उनको ये नहीं पता चलता कि जो दही वाला नुस्खा है वो है क्या, जिससे 20-20 साल 30-30 साल की जो नाभि की समस्या है वो ठीक हो रही है। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये दही वाला नुस्खा कैसे बनाना है, और जिनको नाभि की समस्या होती है उनको दिन भर में कौन कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा दही वाला नुस्खा है ये हमने चैनल पर वीडियो डाली है, अगर आपको जहाँ पर ना समझ में आई तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, जिनको नाभि की समस्या है, नाप नलों की समस्या है, गैस की समस्या है, IBS की समस्या है, इन सारी समस्या के लिए हमने जो एक दही वाला नुस्खा है वो तैयार किया है, वो आप घर पर तैयार कर सकते हो और सुबह इसे खाना खाने के बाद हमने लेना है। और कई भाई बहन जो पूछते हैं कि क्या हम खाना खाने से पहले ले सकते हैं, तो भाई आपकी मर्जी है, लेना चाहते हो अगर आपको स्वाद लगता है आप खा सकते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दही वाला नुस्खा है जो हमने कैसे तैयार करना है, 3 से 4 चम्मच हमने दही के लेने हैं जो हम घर पर जमाते हैं या जो बाजार से मिलता है, ठीक है। इसमें आधे से भी कम चम्मच हमने सरसों का तेल डालना है, या फिर आप बूंदों के हिसाब से डाल सकते हो, 8 बूंदें या 10 बूंदें डाल सकते हो, ठीक है, या आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। और जो तीसरी चीज़ है वो हमने डालनी है इसमें काली पीसी हुई मिर्च, ये हमने 1 चुटकी या 2 चुटकी डालनी है स्वाद के लिए। और जो ये काली मिर्च नहीं डालना चाहते तो वो ना डालें, क्योंकि कई भाई बहन सोचते हैं कि ये गर्म होती है तो हम डालें कि ना डालें, आपकी मर्जी है, नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी काम चल जाएगा। तो इसे हमने तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने खाना खाने के 1 घंटे या आधे घंटे के बाद इसे लेना है, इसे हमने 15 दिन लगातार लेना है। और जो दूसरी चीज़ है वो हम बताते हैं, कतीरा गूंद। दोस्तों कतीरा गूंद बहुत ही ठंडा होता है हमारे शरीर के लिए, और जिनको भी नाभि की समस्या आती है, पेट की जो गर्मी होती है उसकी वजह से समस्या आती है और पेट में जो गैस तेजाब बनता है, और उन्हीं चीज़ों को कतीरा गूंद बिल्कुल ठीक कर देता है। हमारे पेट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कतीरा गूंद ठीक करता है। और जो कतीरा गूंद है ये बनाने का जो तरीका है वो हमने एक रात पहले 1 चम्मच या 2 चम्मच कटोरी में डालकर उसमें पानी डालकर सारी रात भिगो कर रख देना है, और सुबह होते ही वो कतीरा गूंद फूल जाएगा। उस फूले हुए कतीरा गूंद में से 1 चम्मच हम एक दिन में खा सकते हैं, या हम 2 चम्मच दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इससे जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनमें कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है, या कई बार बैक पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक बार ही बताते हैं कि आपने दोपहर को लेना है इसे। और जो तीसरी चीज़ है वो हमने बताई है, शक्कर का पानी। दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों को ये नहीं पता कि गुड़ शक्कर क्या होती है। दोस्तों गुड़ शक्कर गुड़ का ही पाउडर होता है, अगर आपको किसी भी शॉप से बाज़ार से नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। दोस्तों एक तो हो गया हमारा दही वाला नुस्खा सुबह, हो गया दोपहर को, हो गया हमारा कतीरा गूंद, और 2 से 5 बजे के बीच बीच हमने जो शक्कर का पानी पीना है, आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल कर उसे लेना है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, तीनों चीज़ें हमारे दिन भर जो पेट में गर्मी है उसे बाहर निकालना शुरू करेगी। आपने जो दही वाला नुस्खा है वो 15 दिन के लिए लेना है, 15 दिन के बाद आपने उसे 5 या 10 दिन के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप फिर 15 दिन या 10 दिन के लिए ले सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बात अपने दिमाग में से निकाल दो कि इससे हमें लूज़ मोशन लगते हैं, इससे हमारे पेट में गर्मी पड़ जाएगी। भाई गर्मी तो हमारे पेट में ऑलरेडी है, तो ये गर्मी को बाहर निकालना शुरू करेगी। और आपने जैसा कि कमेंट हमारे देखे हैं, सभी वीडियो देखी हैं, कि 30 साल की जो प्रॉब्लम थी हमारी एक आंटी को, उनकी 30 साल की समस्या दूर हो गई है। एक हमें और कमेंट आया है, उस भाई की 26 साल पुरानी नाभि की समस्या थी तो वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो भाई आपने बिल्कुल भूल जाना है कि आपको इससे दही वाले नुस्खे से कोई भी प्रॉब्लम होगी। और कई लड़कियां पूछती हैं कि क्या हमें इससे पीरियड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप उसे प्रेगनेंसी में भी ले सकते हो, एक दिन छोड़कर लेना है, और लड़कियां बेफिक्र होकर इसे ले सकती हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना है दही वाला नुस्खा और इसे कैसे लेना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है, खाली पेट हमने कोई भी काम नहीं करना,
ये बहुत ही हमने एक लंबा परहेज करना है कि खाली पेट हमने कोई भी काम नहीं करना। काम करना है लेकिन पहले कुछ खा पी कर तभी काम करना है। और कोई और कई भाई बहन जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो भी बिल्कुल बंद कर दो। इससे हमारे पेट में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। और जितने भी आप मिर्ची वाली चीज़ें खाते हो, तली चीज़ें खाते हो, वो भी आप बंद कर दो। और इसके साथ जितनी गर्म चीज़ें हैं, जिनकी तासीर गर्म है, वो भी आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि और अगर आप इसे दही वाले नुस्खे के साथ गर्म चीज़ों को लेते रहे, तब आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसे भी आपको बिल्कुल चेंज करना होगा। आप जितनी भी मिर्ची वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें, तली चीज़ें खाते हो, तो उसे कम कर दो या बंद कर दो। चाय तो आपने बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि नाभि वाले जितने भी भाई बहन हैं, उनको गैस की समस्या होती ही है। 90% तो गैस की समस्या होती ही है। तो गैस इन्हीं चीज़ों से बनती है, चाय हो गया, तली चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें। इसके साथ ही आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तब आपने खाने के साथ सौंफ और मिश्री को मिलाकर रख लेना है। जब भी आप खाकर हटते हो, तब आप इसका सेवन कर सकते हो। एक एक चम्मच आप इसका ले सकते हो। और इसके साथ ही दोस्तों, एक जेलोसिन सिरप आता है पीने के लिए, ये भी हमारे पेट में तेजाब नहीं बनने देता, एसिड नहीं बनने देता, गैस को नहीं बनने देता। तब आप इसका भी सेवन 2 महीने 3 महीने आराम से कर सकते हो। जब भी आप खाना खाकर हटते हो, तब आप इसे ले सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लोगे, तब आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी नाभि की समस्या है, वो दिनों में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती है, तब आपने लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।